कश्मीरी पंडित गन नहीं उठा सकेंगे, कश्मीरी पंडित डंडा नहीं उठा सकेंगे, कश्मीरी पंडित झगड़ा नहीं कर सकेंगे, मगर कश्मीरी पंडित के पास एक बहुत बड़ा एक हथियार है। वो कौन सा हथियार है? वो वोट है। हमारे साथ अशोक दर जी हैं, जो कि भूटानगर क्वार्टर्स के प्रेसिडेंट हैं, और इनसे जानते हैं कि जो इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, लास्ट टाइम पे भी आपने बहुत मेहनत की थी इसके ऊपर कि वोट पड़ने चाहिए, आज क्या कहेंगे आप? देखो रोहित जी, ये तो अच्छी बात है कि इलेक्शन तो हो रहा है अब 10 साल के बाद, ये अच्छी बात है, इसमें सारे खुश है। पर एक बात है कि इसमें मैंने पहले भी कहा था कि मुझे एक याद आता है कि एक बात, जब हम होम मिनिस्टर से मिले हैं, हमारी जो डेलीगेशन थी कश्मीरी पंडितों की, तो वहां पर उसने भी ये बात उठाई, उसने कहा कि देखो कश्मीरी पंडित गन नहीं उठा सकेंगी, कश्मीरी पंडित डंडा नहीं उठा सकेंगे, कश्मीरी पंडित झगड़ा नहीं कर सकेंगे, मगर कश्मीरी पंडित के पास एक बहुत बड़ा एक हथियार है। वो कौन सा हथियार है? वो वोट है। इसलिए हमारा भी ये दायित्व बनता है कश्मीरी पंडितों का, हमें वोट में हिस्सा लेना चाहे, हमें वोट डालना चाहे। क्योंकि मुझे एक याद आता है कि एक इलेक्शन आज 14 साल पहले हमारे अनंतनाग में महमूद हुसैन पीरजादा महमूद हुसैन इलेक्शन के लिए उठा था शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जब वहां पर ये वोटिंग की काउंटिंग हो रही है, तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 345 वोट से वो आगे थे जी। तो वहां पर ये उन्हें कहा कि भाई ये इसने हारा, महमूद हुसैन पीरजादा महमूद हुसैन ने हारा, मगर जब यहाँ पर कश्मीरी पंडितों का वोट 350 वोट यहाँ से हो गए, वहां पर ऐलान हो गया कि वहां पर उसने जीत लिया। इसलिए वहां पर उस वक्त कश्मीरी पंडितों का जो वोट है वही फैसला करता है। इसलिए मैं इस वक्त आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं तमाम सारे कश्मीरी पंडितों को मैं गुजारिश करता हूं कि जो इलेक्शन आने वाला है, जो सितंबर में फेज फर्स्ट है, उसमें सारे कश्मीरी पंडित बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले जी जी। और जहां पर भी है, चाहे वो श्रीनगर है, चाहे वो अनंतनाग है, क्योंकि हमें हिस्सा लेना चाहे। और ये एक मैसेज आती है बाहर, आपको पता है कि होम मिनिस्टर ने भी कहा था पहले कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालते हैं, मगर जब पार्लियामेंट इलेक्शन में कश्मीरी पंडितों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उसके बाद इसी होम मिनिस्टर ने कहा कि हाँ जी आज कश्मीरी पंडितों ने वोट डाला है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप निकले, जब जिस दिन इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, तो आप निकले और बढ़ चढ़कर इसमें वोटिंग में आप अपना हिस्सा ले ले। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात की कि वोट का जो असर है वो बहुत होता है, और एक भी वोट से इंसान जीत सकता है या हार सकता है। तो बहरहाल आप हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि जैसे कश्मीरी पंडित लीडर बहुत उठे हैं इलेक्शन में, बहुत जगहों पर उठे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए था कि सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ना स्टार्ट? वो बहुत बड़ी उनने गलती किया। देखो हबकदल की सीट है, अगर एक ही कश्मीरी पंडित वहां पर उठेगा इलेक्शन के लिए, वो अच्छी बात है। या हमारे शांगस में अगर एक ही बंदा उठेगा, अभी हाल ही में एक पार्टी ने, अपनी पार्टी ने मिस्टर एम के योगी को उन्हें मैंडेट दिया है, मगर अच्छी बात है कि अगर सारे हम उसको हम मदद करेंगे और निकलेंगे, उस दिन निकलेंगे, वो डालेंगे, वो क्यों ना कि हमारा अपना कैंडिडेट नहीं जाएगा असेंबली में। इसलिए हमें चाहिए कि हम निकलेंगे इस इलेक्शन पर, जो असेंबली इलेक्शन है, हम निकलेंगे सारे पंडित, कश्मीरी पंडित हम निकलेंगे, और इसमें हम बढ़कर चढ़कर हिस्सा ले लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है सब में वोट डालने के लिए, और सभी वोटिंग के लिए तैयार हैं। और आज यहाँ पे मुट्ठी कैंप में भी कुछ कैंप एक ऑर्गेनाइज किया गया, रिलीफ डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, यहाँ पे भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उम्मीद करते हैं ऐसे ही और भी सब लोग सामने आएंगे वोट डालने के लिए। देखते रहिए द राइट न्यूज़, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।